नमस्कार, सोनम्स एक्सप्लेनर्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे तीन से चार ऐसी खबरों के बारे में जिनका ताना बाना तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, पर जिनका इम्पैक्ट भारत पर भी हो सकता है, रीजनल सिक्योरिटी पर भी हो सकता है, और गलत नहीं होगा ये कहना कि ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी हो सकता है। पाकिस्तान इज सर्टनली अप टू समथिंग बिग। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने हिंदुस्तान ने मुंबई के एक पोर्ट पर चाइना से आने वाली एक कमर्शियल शिप जो कराची जा रही थी उसको रोक लिया था, और जब उसके अंदर जो सामान था उसकी इंस्पेक्शन की डीआरडीओ ने, जिनको वहां के जो कस्टम ऑफिशियल्स है उन्होंने बुला लिया, क्योंकि एक पहले से ही उनके पास एक इंटेलिजेंस थी कि इस तरह की कोई जो कार्गो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना है। जब उसकी इंस्पेक्शन की गई तो डीआरडीओ ने ये कंक्लूड किया कि इसमें कुछ इस तरह की मशीन्स हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए कर सकता है। एज यूजुअल पाकिस्तान ने वो डिनाई किया और कहा कि ये जो मशीन्स हैं ये कराची की एक कंपनी ने चाइना से मंगवाई हैं और इनका पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। पाकिस्तान, लाइक आई सेड, इज अप टू समथिंग बिग। कल अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की कि अमेरिका ने चार कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दी हैं, जिनमें से तीन चाइनीज कंपनीज हैं और एक बेलारूस की कंपनी है, और इल्ज़ाम ये है कि ये कंपनीज पाकिस्तान को मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स या मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही थी ताकि उनका जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है उसको एक्सपेडाइट या इनेबल किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान तो यही कहता है कि उनका अजल दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के। जो मीडियम रेंज की इनकी मिसाइल्स हैं उनमें अगर हम शाहीन 3 की बात करें तो वो तो पूरे भारत को कवर करता है। तो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनसे ये जो इस खित्ते में, इस इमीडिएट रीजन में सबको धुआं देके रख सकते हैं। अगर हम इनके रेंज की बात करें तो पाकिस्तान के पास लाइक आई सेड की शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी हैं, और इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स बनाने की पाकिस्तान मंशा रखता है। तो इनमें से जो मेन इनके पास मिसाइल्स हैं वो है अब्दाली, जिसकी रेंज जो है 280 से 450 किलोमीटर की है, फिर शाहीन जिसकी 750 किलोमीटर की रेंज है, फिर शाहीन 1 है जिसकी 900 किलोमीटर की रेंज है, शाहीन 1 ए है। इतनी सारी इन्होंने शाहीन के नाम से ही मिसाइल्स बना रखी है। शाहीन ए की जो 1A की जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर की है, और फिर P-282 जो इनकी एक मिसाइल है उसकी जो रेंज है दैट इज नॉट रियली नोन, बट दैट अगेन इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर अगर हम मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो गौरी 1 की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की है, गौरी 2 की जो रेंज है वो 2000 से 2300 किलोमीटर की है, अबाबील की जो रेंज है वो 2200 किलोमीटर की है, और शाहीन 3 जो हैं उनकी रेंजेस हैं 2500 और 2750 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो अगर आप शाहीन 2 और शाहीन 3 की बात करें तो इनकी रेंज में तो पूरा भारत आ जाता है ना। पाकिस्तान तो यही दावा करता है कि इनकी इतनी रेंज है, तो फिर पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये मानना है, और इसराइल, लाइक यू नो, उनका हमेशा से एक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके कंसर्न रहा है। जितना हमारा कंसर्न था उतना उनका भी कंसर्न था शुरू में, फिर उसके बाद ये सोच के वो चुप हो गए कि पाकिस्तान की जितनी मिसाइल्स हैं उनकी जो रेंज है या तो वो शॉर्ट है या तो वो मीडियम है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इसराइल को जो है वो कवर कर सकते हैं।
और आपको पता है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था तो अमेरिका ने उनको कुछ परेशान नहीं किया, कुछ उनको रोका नहीं उससे, क्योंकि उनको पता था कि इनका जो दायरा है वो सिर्फ इस रीजन का ही है। पर अगर अब आप बात करें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, तो उसमें तो आप बहुत बड़ा दुनिया का जो हिस्सा है वो कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें आप इसराइल को भी कवर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसराइल को ये बात बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल करेगी, और जिसके रिजल्ट में अमेरिका भी इस बात को लेके जो है वो कंसर्न आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए अमेरिका ने इन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दी हैं, और पाकिस्तान ने एज यूजुअल यही कहा है कि हमारे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है और हमें इस रीजन में आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, एक रीजनल एसिमेट्री पैदा हो रही है, और दूसरों को अमेरिका कुछ नहीं कहता, हमें ही सारी चौधराहट जो है वो दिखाता है। तो वो तो पाकिस्तान के यूजुअल टैक्टिक्स है ना, हमेशा जब ये पकड़े जाते हैं तो इसी तरह की हरकतें करते हैं, इल्ज़ामबाजी करते हैं। बट आप इनकी हरकतें देखें कि पैसे नहीं है इनके पास, दुनिया भर के पास जाके ये पैसे मांग रहे हैं, कभी IMF से मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया से मांग रहे हैं, चाइना का भी इन्होंने इतना ज्यादा पैसा लौटाना है। पर जब बात करें इनकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की या मिसाइल प्रोग्राम्स की, तब इनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, तब इनको पैसे की कोई कमी नहीं है, तब ये चुपके से सब कुछ कर लेते हैं और अपनी आवाम को ये बताते हैं कि हमारे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास तो सैलरीज देने के पैसे नहीं है। डिप्लोमैट्स को सैलरीज देने के इनके पास पैसे नहीं है, बट इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने के लिए सारे वसाइल जो है वो मौजूद हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो करंट जो प्रोग्राम चल रहा है, जो अरेंजमेंट चल रहा है IMF के साथ, जो 3 बिलियन USDs का प्रोग्राम है, वो अप्रैल इस मंथ के एंड में आके वो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने जो नया शोशा ये छोड़ा है कि वो IMF से ये डिमांड कर रहा है कि आप हमारे साथ एक जो है लॉन्ग टर्म की एक अंडरस्टैंडिंग करें, जिसको आप कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप हमारे साथ 3 साल के लिए एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो एक प्रोग्राम है उसको फाइनलाइज कर लें। और अभी जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऑलरेडी वॉशिंगटन में है फॉर द एनुअल मीटिंग्स विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो आप देखें इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स है, यहाँ से IMF से कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आपने जो हमें $3 बिलियन का जो हमारे साथ करंट आपका प्रोग्राम है वो अप्रैल के एंड में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें अगर कोई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म जो फंड फैसिलिटी चाहिए, और साथ ही साथ हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप हमें कम से कम 6 से 8 US बिलियन तो दें। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि IMF इनको इतना पैसा देता है कि नहीं देता है, बट ये इनकी डिमांड है, और घर पे बैठ के ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद ये चाह रहे हैं कि इसराइल को भी अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज में ये लोग लेकर आ जाएं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लस ऑल्सो टू इंडिया, क्योंकि भारत के लिए ये बात बहुत कंसर्निंग है कि चाइना तो इनकी मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ बेलारूस जो रशिया की एक बहुत क्लोज एलाई है, इनफैक्ट कभी कभी तो ये लोग एक यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इसराइल और अमेरिका को कहा जाता है ना कि एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अगर आप इसराइल पे अटैक करेंगे तो आप इसका मतलब है कि अमेरिका की तरफ आप निशाना साध रहे हैं, तो रशिया और जो बेलारूस की इक्वेशन है वो भी कुछ इसी किस्म की इक्वेशन है। तो भारत के लिए ये बहुत कंसर्निंग है कि रशिया की एक क्लोज एलाई जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रही है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में। इसका हमें क्यों कंसर्न है, वो इसलिए कि हालांकि हम ये चीज समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मीडियम रेंज मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद है जो पूरा भारत को कवर करती हैं, पर ये पाकिस्तान का वर्शन है, ये हम नहीं जानते। पर अगर पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ जाएगा, वो क्योंकि Agni-5 का जब से हमने टेस्ट किया है इनके सीने पर सांप लौट गए हैं, और इनको लग रहा है कि पता नहीं भारत जो है उसने हमें पूरा कवर कर लिया है, जबकि भारत का जो निशाना है वो किसी और तरफ था, वो इनकी तरफ तो था ही नहीं। इनको टैकल करने के लिए तो वैसे ही भारत के पास बहुत सारे और मिसाइल्स मौजूद हैं। तो तब से ये एक
दौड़ में लग गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैचअप करें हिंदुस्तान के साथ, पर उसकी वजह से दुनिया के लिए जो है वो एक दर्द सर जो है वो उभर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा से इस तरह की रही है। अगर आप देखें, पहले भी इनके ऊपर इल्जाम लगा था कि आपने नॉर्थ कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की हिमाकत की है। इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके भी किस तरह की उनकी इंटेग्रिटी है, किस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, अब ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये बात ऑफ कोर्स बहुत कंसर्निंग होगी कि अगर इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो और ज्यादा एक्सपैंड होता है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरी खबर ये है कि जो यूएस कॉन्सुलेट है कराची में, उन्होंने एक थ्रेट अलर्ट इशू किया है 2 दिन पहले जो जापानीज के ऊपर हमला हुआ है कराची में। उसके बाद आप जानते होंगे कि मार्च 26 को, यानी कि पिछले महीने, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो उनका केपी जो प्रोविंस है वहां पर चाइनीज की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 5 चाइनीज वर्कर्स मारे गए थे। साथ ही साथ उनका जो लोकल ड्राइवर था वो भी मारा गया था, जिसकी बात खैर किसी ने की नहीं, पर उनको मार दिया गया था एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक में। और बाद में ये अटकलें लगाई गई थी कि ये किसी बलोच इंसर्जेंट ग्रुप का काम है, हालांकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ग्रुप ने खुल के नहीं ली थी। उसी तरह 2 दिन पहले कराची में एक हाई सिक्योरिटी जोन में जापानीज की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 5 जापानीज नेशनल्स मौजूद थे। 2 लोग आए, पैदल आए, उन्होंने उन दोनों शायद सुइसाइड बॉम्बर्स थे या एक सुइसाइड बॉम्बर था, पैदल गए वो और उन्होंने उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गए। एक ने तो वहां जाके जो है अपने आप को उसने ही ब्लू हिमसेल्फ अप, और जो दूसरा था उसने गोलियां वगैरह चलाई, और एक तो सुइसाइड बॉम्बिंग में ही मारा गया और दूसरा जो है उनकी जो सिक्योरिटी जो उनके साथ थी, जो जापानीज वर्कर्स के साथ, उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये नहीं पता कि इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हुई थी इसलिए ये लोग बच गए, या इनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस चीज को लेके भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है शुरू से, क्योंकि सीपेक का एक कंपोनेंट सिक्योरिटी कंपोनेंट था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को चाइना के जो नेशनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं जो सीपेक पे काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। बट ये आपस में इसी बात पे लड़ते रह गए कि ये जो गाड़ियां हैं इनको बुलेट प्रूफ कौन करवाएगा। और अब पता चल रहा है कि कुछ एक डिसीजन लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर अभी जो मरियम नवाज हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत धड़ल्ले से वो काम कर रही हैं। मैं उनका काम बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स वो ले रही हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अप्रूव कर दी हैं कुछ गाड़ियाँ चाइनीज के लिए, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। वी डोंट नो कि ये इनके पास भी कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी कि नहीं थी, या सिर्फ इनकी किस्मत अच्छी थी, बट उसका असर ये हुआ है कि दुनिया भर में एक ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो सेफ नहीं है, चाहे आप वहां पे काम करने के लिए गए हो या छुट्टियां मनाने गए हो, यू जस्ट अ टूरिस्ट और यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप डिप्लोमेट हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए मुसीबत है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि जो जो दहशतगर्द थे या फिर जो जो इंसर्जेंट्स जिन्होंने इनको टारगेट किया, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये लोग चाइनीज हैं। तो मैंने आपसे कल ही कहा था, कल जो मैंने लाइव प्रोग्राम किया था, कि इस तरह के जो अंदाजे होते हैं ना वो इतने गलत नहीं साबित होते। बहुत सारी आपको रेकी करनी पड़ती है, बहुत सारा आपको ग्राउंड वर्क होता है जब भी आपको इस तरह के अटैक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करने हैं। जस्ट इमेजिन दे वर सो सो क्लोज कि वो बिल्कुल उनकी गाड़ी के पास पैदल चल के चले गए और कोई उनको रोकने वाला नहीं था जब तक कि उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी अच्छी रिसर्च कर रखी थी, और वो जो बात मैंने कल कही थी वो आज साबित हो गई कि अगर इनको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि ये चाइनीज जैसे दिखते हैं और इनको दहशतगर्दों को ये लगा कि ये चाइनीज नेशनल्स हैं और इनको सीपैक की वजह से टारगेट किया गया, जो पाकिस्तान का एक ओवरऑल नैरेटिव है कि भाई भारत जो है हमारे यहाँ पे ग्रुप्स को फंड कर रहा है, या अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है क्योंकि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सीपैक को फ्लॉप करने की एक साजिश है,
तो वो तो गलत साबित हो गया है, क्योंकि अब अमेरिका के जो नेशनल्स है वो तो चाइनीज और जापानीज की तरह नहीं दिखते, उनके तो ओरिएंटल फीचर्स नहीं होते। अगर वो भी अपने सिटीजन्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, डिप्लोमैट्स को ये कह रहे हैं कि आप क्राउडेड एरियाज में ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लें, और जो बहुत ही एक दिलचस्प जो उसमें एक एलिमेंट था वो ये था कि जितने हाई एंड होटल्स हैं कराची के अंदर, वहां पे आप लोग ना जाएं। अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा है कि उनको आप अवॉइड करें, और होटल्स में आप ओवरनाइट स्टे भी कोशिश करें कि ना करें। तो अगर आप होटल में नहीं रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पिक्चर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रिम है पाकिस्तान की, व्हेन इट कम्स टू यू नो द सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन नेशनल्स। तो आई थिंक धीरे धीरे जो सारे इनके यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पाकिस्तान छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वेदर यू आर एन अमेरिकन, यू आर अ चाइनीज, यू आर अ चाइनीज और यू आर अ जापानीज, हालात तो सबके लिए एक जैसे ही होते जा रहे हैं। अब जो इनके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो स्टेट को इतना ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं कि बेसिकली उनकी ये मंशा है कि किसी तरह से ये लोग टेबल पे आए और हमसे बात करें, और हमारे जो डिमांड्स हैं या जो हम मतलब कुछ कुछ तो इस हद तक जाते हैं, जो बलोच हैं वो तो कहते हैं कि हमें आजाद करिए, हम जो है आपने हमें कब्जे के थ्रू जो है हमारी जो रियासत है उसको पाकिस्तान के साथ मिला लिया था, तो हम फ्रीडम चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देर आर ग्रुप्स लाइक टीटीपी विच आर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर नॉट इंसर्जेंट ग्रुप्स बिकॉज दे आर इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स। उनका जो मोटिव है वो रिलीजियस है, वो ये नहीं कहते कि हमें आजादी दे दो या हमें अलग होना है, वो ये कहते हैं कि जो 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 हमारा रीजन है जिसको वो पश्तूनिस्तान कहते हैं, जिसको पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कहता है, वो उस पश्तूनिस्तान में अफगानिस्तान को भी मिला लेते हैं ड्यूरंड लाइन के उस पार, और इधर जो पाकिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है उसको भी मिला लेते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो है वो शरिया चलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज तो ऑलरेडी टीटीपी के कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा एरिया नहीं है बट कुछ एरियाज हैं जहां पर ऑलरेडी टीटीपी का बोलबाला है। तो उनकी जो डिमांड्स है वो और नौयत की हैं, बलोच जो हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो और नौयत की हैं, उनकी एक सेक्युलर स्ट्रगल है, उसमें रिलीजन का एलिमेंट नहीं है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज चुराता है, हमारे लोगों की डिसअपियरेंसेस करता है, और जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी बहुत किस्म के जो हैं वो क्राइम्स होते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान में ज्यादातर जो घर हैं उनमें से कोई ना कोई जो मेल मेंबर है वो मिसिंग है। तो वहां की जो जो औरतें हैं उनके साथ भी बहुत तरह की ज्यादतियां की जाती हैं फौज की तरफ से। तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और वो इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि आखिर आके तुम कभी ना कभी तो हमारे साथ टेबल पे बैठोगे ना, हमसे बात करोगे ना। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की अभी सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बहुत ही फटे हाल हैं, पर इनकी प्रायोरिटी आप देखें ये मिसाइल प्रोग्राम बनाने में लगे हुए हैं। लास्ट में बात करेंगे हम इमरान खान की। जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इमरान खान जो हैं वो जेल से बैठ के भी जब भी उनकी कोई हियरिंग होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और बार बार वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आसिम मुनीर ने, जो पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश करके उनको जेल में डलवाया है, और इमरान खान की जो अहलिया है, जो उनकी बीवी है बुशरा बीवी, जो अपने घर के अंदर ही जिनको अरेस्ट करके रखा गया, क्योंकि उनकी भी कन्विक्शन हो गई है, करप्शन में भी हो गई है, और साथ ही साथ जो उनकी शादी हुई थी इमरान खान से, उनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने अपनी इद्दत जो है उसको कंप्लीट किए बिना ही इमरान खान के साथ शादी कर ली थी, विच इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से जब आपकी तलाक होती है आपके शौहर के साथ तो उसके बाद एक अरसा होता है जिसमें आप किसी नामहरम मेल मेंबर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते। महरम में आपके फादर आ गए, आपका भाई आ गया, तो आप उस कांटेक्ट उस पीरियड में आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर सकते, किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकते, किसी मेल नॉन महरम लाइक आई सेड उसके साथ। तो इनके ऊपर ये इल्जाम था कि इन्होंने उसी पीरियड में इमरान खान के साथ शादी कर ली, विच इज कंसिडर्ड अ सिन एज पर द इस्लामिक लॉ। तो अब पाकिस्तान में आपको पता है कि रेगुलर कोर्ट्स भी हैं, और साथ ही साथ जहां पर इनकी सहूलत होती है वहां पर ये शरिया भी ले आते हैं बीच में, तो उनकी भी कन्विक्शन हुई हुई है करप्शन में भी और ये इद्दत वाले केस में भी। पर
पर जो बुशरा बीवी है वो जेल में नहीं है, वो अपने घर में है, जो उनका बनीगाला में इमरान खान का घर है उसी को एक सब जेल बना के उनको अपने घर पे रखा गया है। और उनका ये इल्जाम है कि उनके खाने में जो टॉयलेट क्लीनर होता है वो मिक्स किया जा रहा है, और साथ ही साथ ज्यादातर जो ऑफिशियल्स, जो पुलिस के ऑफिशियल्स उनके घर में मौजूद है वो मेल्स हैं, उनमें से सिर्फ एक है जो वो लेडी है, जिसकी वजह से उनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और इमरान खान ने जब उनकी आज जो हियरिंग हुई वहां पर उन्होंने कोर्ट में कहा कि बुशरा बीबी के खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया जा रहा है, और अगर उनको इस वजह से कुछ हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार उनका हार्ट बर्न्स हो रहे हैं, स्टमक एक हो रही है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर की होगी। और इमरान खान की ये डिमांड थी कि बुशरा बीबी का प्रॉपर एक मेडिकल चेकअप किया जाए, विच आई थिंक इज अ फेयर डिमांड, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की एक हिस्ट्री रही है जेलों में लोगों को टॉर्चर करने की, उनकी वीडियोस बनाने की, वो नहा रहे हैं तब वीडियो बनाएंगे, कपड़े बदल रहे हैं तब वीडियो बनाएंगे, मतलब इनकी एक हिस्ट्री रही है शुरू से। और आपको पता है कि कितने इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको इसी तरह से धोखे से ही लटका दिया गया या फिर उनकी मिस्टीरियसली मौत हो गई, राइट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना टू हिज सिस्टर, यू नो मोस्ट ऑफ द टॉल लीडर्स इन पाकिस्तान हैव डाइड मिस्टीरियसली, या तो उनको फांसी पे लटका दिया, या तो वो खुद ही मर गए, या तो उनको किसी ने मार दिया, कुछ इसी तरह की कहानियां है। तो इमरान खान का जो कंसर्न है वो बिल्कुल लेजिट कंसर्न है, और अब कोर्ट ने ये परमिशन दे दी है कि बुशरा बीबी का जो है वो चेकअप करवाया जाए। जो गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम इनका जो चेकअप है वो जो पिम्स करके जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मेडिकल स्टडीज का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्टडीज, वहां पर वो इनका चेकअप करवाना चाह रहे थे, बट इमरान खान की डिमांड थी कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है जिसकी इमरान खान भी एक ट्रस्टी हैं, या तो वहां पर उनका चेकअप करवाया जाए, या फिर जो शिफा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर उनका चेकअप करवाया जाए, क्योंकि उनका यकीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर नहीं है। तो अब उसकी परमिशन जो है वो दे दी गई है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल बनी हुई है, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आपको नजर आती है, साथ ही साथ रीजन के लिए भी पाकिस्तान ने खतरा बना हुआ है, क्योंकि अपनी हरकतों से तो वो बाज नहीं आ रहे, दुनिया भर के आपने वेपन्स इकट्ठे कर रखे हैं, भारत से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, पर फिर भी आपको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जरूर चाहिए। तो इस प्रोग्राम का कंक्लूजन मैं पहले की तरह इसी बात से करूंगी कि अब खुदा ही जो है वो पाकिस्तान का हाफिज है, और वही पाकिस्तान को हिदायत दे सकता है कि अपनी जो कौम है उनकी जो जरूरियात है उनकी तरफ आप ध्यान दें, ना कि इस पर ध्यान आपका हमेशा रहे कि दुनिया को जो है वो टफ टाइम किस तरह से देना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन, आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अनदर प्रोग्राम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।